हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो करंट अफेयर से संबंधित है। आज की वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर 2024 देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन से हमला किया है? ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? दिनेश त्रिपाठी। तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को। पहले से नरेंद्र मोदी को और दूसरे से आशा भोसले को किया गया था। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? नौवां। और भारत ने 9 ही पदक जीते हैं, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। इसमें प्रथम स्थान जापान का है और दूसरा ईरान का। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां। प्रथम रूस को और दूसरा यूक्रेन को प्राप्त हुआ है। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? रूस ने। 5वां डस्ट लीक अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के। उज्बेकिस्तान ही इसका मेजबान है। हाल ही में लॉन्च समस्मरण नायब किसका है? सलमान रशदी का। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के डिजिटल सेवा निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? 17% की। जॉन डर्क गैडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर गगनदीप कांग को। ये कनाडा देश का पुरस्कार है। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NH-25 के लिए चयनित पहले भारतीय कौन है? गोपी थोटा कुरा, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। विश्व कला दिवस 2024 किसकी जयंती पर मनाया गया है? 15 अप्रैल को लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस पर। A.M. ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एवी विक्टरसन को। ये इजराइल के हैं और इन्हें एबल पुरस्कार भी मिला है। दोनों पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। इस पुरस्कार को कंप्यूटिंग का नोबेल भी कहा जाता है। किस राज्य की निसी जनजाति द्वारा लोंगटे यूलो त्यौहार मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने, और यह 12वीं बार इन्होंने जीता है। किस राज्य में पारंपरिक फसल उत्सव पुथंडू का आयोजन हुआ है? तमिलनाडु में। केरल में यह विशु नाम से हुआ है। अर्थ एक्शन द्वारा जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार 2011 के बाद प्लास्टिक कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 7.11%, और इसमें पहला स्थान चीन का है और दूसरा भारत का। न्यूयॉर्क की न्यूजवीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी, और पहली इंदिरा गांधी थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती कब मनाई गई है? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। IPL इतिहास में सर्वोच्च स्कोर किस टीम ने बनाया? हैदराबाद सनराइजर्स ने। इन्होंने 287 रन RCB के खिलाफ बनाए हैं। किस देश में शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन पेरिस में हुआ है? सूडान में। IMF की प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा को। ये बुल्गारिया की हैं और यह इनका दूसरा कार्यकाल है। किस देश के प्रधानमंत्री ली लुंग ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? सिंगापुर के। नेपाल में UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए किनके मध्य समझौता हुआ है? फोन पे व HAN पोखरा प्लस ई सेवा, ये दोनों नेपाल की हैं। 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अबू धाबी UAE में, और आयोजन करता है फ्यूचर एनर्जी कंपनी। किस राज्य की तिरंगी बर्फी धलवा मूर्ति धातु शिल्प व थारू कढ़ाई सहित 6 उत्पादों को GI टैग मिला है? उत्तर प्रदेश के। स्काई ट्रैक के दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? GMR एयरपोर्ट
हैदराबाद को और विश्व में प्रथम चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है। हाल ही में लोन समिस्मरण जस्ट ए मर्सिनरी के लेखकों ने RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव, थलसेना प्रमुख मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है, उज्बेकिस्तान में, किस देश के ज्वालामुखी माउंट रुआंग में भयंकर विस्फोट होने से सुनामी की चेतावनी जारी की गई है, सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया में, RBI ने किस बैंक के ग्राहक ऐप बॉब वर्ल्ड को बैन कर दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा के, इसका कारण है साइबर अटैक और घोटाला। जॉर्जिया में आयोजित 13वीं यूरोपीय गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, 4 पदक। 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व विरासत दिवस 2024 की थीम क्या है, विविधता की खोज और अनुभव करना। किस राज्य में DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया है, इडुक्की केरल में। टाइम 100 की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस महिला पहलवान को शामिल किया गया है, साक्षी मलिक को। किस देश ने अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टर सहज का आयोजन किया है, अमेरिका ने। किस देश में अतिवृष्टि से बाढ़ ने तबाही मचाई है, UAE में। भारतीय सेना ने किसकी सहायता से स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया है, DRDO। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय एयरपोर्ट कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका 10वां स्थान है और प्रथम अटलांटा अमेरिका का है। किस देश में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है, नेपाल में। आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, ये 45वें राष्ट्रपति थे और इनकी पार्टी है रिपब्लिकन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन प्रोबा 3 को PSLV XL रॉकेट से कौन लॉन्च करेगा, इसरो, और यह सूर्य अध्ययन के लिए जाएगा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 2023 के मध्य सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कितनी है, 2.33 मिलियन हेक्टेयर, और यह कुल वृक्ष कवर का 6% है, और इसमें प्रथम स्थान असम का है, द्वितीय मिजोरम, तृतीय अरुणाचल प्रदेश, चतुर्थ नागालैंड और पंचम मेघालय, 5 राज्यों में 60% की कमी आई है। चीन में आयोजित एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में एकल पुरुष विजेता कौन बना है, जोनाथन क्रिस्टी, ये इंडोनेशिया के हैं, और महिला धांग छी है जो कि चीन की है। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस स्टेडियम में बनाई गई है, धर्मशाला स्टेडियम जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 17 अप्रैल को मनाए गए विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 की थीम क्या है, सभी के लिए समान पहुंच। मोनाको में आयोजित मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 टेनिस का विजेता कौन बना है, स्टेफानोस सित्सिपास जो कि ग्रीस के हैं और ये तीसरी बार विजेता बने हैं। T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, रोहित शर्मा। हिंद महासागर में निगरानी के लिए अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर इंडियन ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम को रीएक्टिव किया है, भारत के साथ। जल से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल को किसने विकसित किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने। किस परियोजना के तहत इसरो ने 2030 तक अंतरिक्ष में अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है, नेत्रा परियोजना के तहत। विजडन ने दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर किसे नामित किया है, नेट साइबर को, और यह इंग्लैंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं। पुरुष में पैट्स कमिंस है और टेस्ट की विजडन ट्रॉफी ट्रेविस हेड को मिली है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस देश ने विश्व का पहला मेनिनजाइटिस टीका MEN-5CV लगाया है, नाइजीरिया ने। वित्त वर्ष 2023-24 में किस कंपनी ने भारत से $10 अरब के आईफोन निर्यात किए हैं, एप्पल ने, और भारत में निर्माता कंपनी विस्ट ने जिसे टाटा द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। दुनिया का सबसे सख्त
धूम्रपान निषेध विधेयक किस देश की संसद में पारित हुआ है? यूनाइटेड किंगडम की। और यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है और इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तंबाकू बेचने पर प्रतिषेध लगा है और यह हर साल 1 वर्ष बढ़ेगी। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।